Subscribe SH Fashion World for more videos. 14 इंच कपड़ा 3 मीटर रेब पट्टी कैसे, ये वीडियो में देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SH Fashion World। आज की जो वीडियो है वो सिलाई से रिलेटेड है। मैं आज आपको कम कपड़े में ज्यादा बड़ी रेब पट्टी कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी। जो छोटे से टुकड़े से हम एक बहुत लंबी रेब पट्टी आज बनाएंगे। तो जो भी सिलाई सिखाते हैं या करते हैं या सीखते हैं, उन सभी को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपकी कुछ सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए आपको फैब्रिक का पीस लेना है। जितना भी आपके पास फैब्रिक है, मेरे पास ये 14.5 इंचेस का पीस है। तो हमने ये स्क्वायर में काटना है। 14.5 इंचेस हमने इस तरफ को भी लेना है। इस तरह से आपने निशान लगा देना है इसको, और यहां ऊपर से भी आपने 14.5 इंचेस लेना है। ये इस तरह से, और इसको अब कट कर देना है। ऐसे स्क्वायर में हमने ये काट देना है। अब ये देखिए, इस तरह से हमारे पास ये स्क्वायर पीस आ गया है। अब इसको सेंटर से हमने यूं डायगनली इसके कोने से कोने में निशान लगाना है, बिल्कुल सेंटर से। यहां पर देखिए, हमने इस तरह से इसको निशान लगाना है और इसको बीच से हमने कट कर लेना है। सेंटर से कट कर लेना है इस तरह से। अब ये देखिए, मैंने यहां पर इसको सेंटर से कट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इसका एक टुकड़ा उठाकर इस तरह से, इसका एक पीस उठाकर इसको यूं ऐसे रखना है। अब ध्यान से देखिए, इस तरह से आपने इसको रखना है और यहां पर हमने अब सिलाई लगानी है। यहां से लेके यहां तक अब हमने ये सिलना है। इस तरह से यहां से लेके यहां तक आपने इसको सिलाई लगानी है। तो मैं ये सिलाई लगा के आपको बताती हूं। अब ये देखिए, यहां पर मैंने ये सिलाई लगा दी है। यहां से ये सिलाई आपने उल्टी तरफ से लगानी है, और ये मेरी फैब्रिक की सीधी तरफ है। ये देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। अब आपने उल्टी तरफ से इस तरह से कपड़ा रखना है, और यहां पर अब हमने जितनी चौड़ी आप रेब पट्टी रखना चाहते हो उतने चौड़े आपने निशान लगाने हैं। तो मैं यहां पर 1.5 इंच की रख रही हूं। देखिए, इस तरह से 1.5 इंच के आपने निशान लगाने हैं। इस तरह से आपने निशान लगाते जाना है। और इसको अब हमने सीधा मिला देना है। ये देखिए, इस तरह से आपने ये निशान, ज्यादा विजिबल नहीं हो रहे हैं, आपने इसी तरह से 1.5 इंच के निशान लगाने हैं, या 2 इंच की आपने जितनी भी चौड़ी आप रेब पट्टी बनाना चाहते हो उतने आपने निशान लगाने हैं। ऐसे ही आगे को भी लगाते जाना है। तो मैं ये सब लगा के आपको बताती हूं। इस तरह से 1.5 इंच के, और ये हमने लाइन से फिर मिला देने हैं सेम ऐसे ही। अब ये देखिए, यहां पर मैंने ये पूरी लाइनें लगा दी हैं 1.5 इंच के स्पेस पे। पूरे कपड़े पे मैंने लाइनें यहां पर लगा दी हैं। इसी तरह से आपने भी लगानी है। और ये लाइनें लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से सीधा करना है।
ये देखिए, ध्यान से आप देखिएगा, यहां पर इसको इस तरह से सीधी तरफ को आपने पलटना है, और सीधी तरफ को पलटने के बाद इसको अब हमने यूं इस तरह से सेंटर में मोड़ना है। एक तरफ को मोड़ा और ऐसे यूं दूसरी तरफ को, ये देखिए इस तरह से आपने मोड़ना है। मोड़ती बार आपने ये ध्यान रखना है कि ये लाइनें हमारी बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से आपकी ये लाइनें एक दूसरे से मिलनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरह से मिलनी चाहिए ये लाइनें। और इस तरह से मिलने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अब हमने इसको यूं पकड़ना है इस तरह से, और इस पे अब हमने यहाँ से सिलाई लगानी है। यहाँ से यहाँ तक इसको हम हमने सिलना है, तो मैं सिल के आपको बताती हूँ। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर ये सिलाई भी लगा दी है। अब आपने क्या करना है, ये निशान के अकॉर्डिंग अब हमने इसको कट करते जाना है एक कोने से। पहले तो हमने यहाँ से इसको, ये जो निशान है, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था हमारे पास, इसको अब हमने इस तरह से कट कर लेना है। और अब ये फैब्रिक को इस तरह से आपने पकड़ना है सिंगल, और ये अब हमने यहाँ से इसको कट करते जाना है। इसी तरह से आपने निशान के अकॉर्डिंग इसको कट करते जाना है आगे तक। ये देखिए इसी तरह से आपको ये पूरी कट करनी है, गोल गोल आपको इसी तरह से ये सिंगल में कट करते जाना है। जिस तरह से कि हमने निशान लगाए हैं, पूरी बराबर ये आपके निशान होने चाहिए, इसी तरह से आपने पूरा नीचे तक ये कट करते जाना है। बहुत ही लंबी आपकी ये रेप पट्टी बनेगी। ये देखिए इस तरह से मैंने ये पूरी कट कर ली है, और इस तरह से देखिए ये कितनी लंबी रेप पट्टी हमारे पास बन गई है। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से ये देखिए 14 इंचेस पीस से हमने 3 मीटर से ज्यादा ये रेप पट्टी बना ली है। तो इसी तरह से ये देखिए अब आपको इसको फोल्ड करना है, और किसी में भी आप इसको लगा सकते हो इस तरह से।